मट्टी संभाल ब्रिज बाला। जन्माष्टमी पर देश भर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। भगवान कृष्ण के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़ आधी रात को कान्हा के प्रकट होने के साथ ही खुशी से झूम उठी। भगवान कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा से लेकर देश के तमाम कृष्ण मंदिरों का माहौल देखने लायक था। रात 12 बजे मथुरा में कान्हा का जन्म होते ही श्रद्धालुओं के जयकारों और घंटे घड़ियाल से मंदिर गूंज उठा। थोड़ी देर में ही चांदी की बनी कामधेनु से बहती दूध की धारा से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक किया गया। भगवान कृष्ण के जन्म और उनके अभिषेक का ये नजारा देखने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ मथुरा में उमड़ी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मुख्य मंदिर में हम हैं और मुख्य मंडप के सामने इस समय जो भक्तगण हैं वो जन्मोत्सव के जश्न में डूबे हुए हैं और भक्ति में डूबे हुए हैं। जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं तालियां बजाते हुए भजन करते हुए आ रहे हैं, कृष्णमय दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। लोग यहां पर मंदिर की ओर से भी काफी ज्यादा इंतजाम किए गए थे, फूलों की वर्षा हो रही है और लगातार इत्र छिड़का जा रहा है। और जो यहां पे आने वाले लोगों की तादाद है वो कल से आज तक करीब 30 लाख लोग आ चुके हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, बहुत एंजॉय किया। ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आप बताइए, आप किस तरह से आप लोगों ने यहाँ दर्शन किया? बहुत अच्छा लगा भगवान जी के दर्शन करके। मैं सुबह से आया हूँ, पूरे कृष्ण भूमि, पूरे मथुरा वृंदावन सब कृष्णमय हो रखा है। पूरे देश के अंदर बहुत उल्लास का माहौल है और ये उल्लास बना रहना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग उत्साहित हैं और उत्साह में लोग नृत्य भी कर रहे हैं। मृदंग की आवाजें आ रही हैं, ढोल की आवाजें आ रही हैं, मजीरा बज रहा है और पूरा जो माहौल है वो बहुत ज्यादा भक्तिमय दिखाई दे रहा है। और जो कृष्ण की नगरी मथुरा को जिस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं श्रद्धा के साथ, उसकी वजह यहाँ साफ दिखाई दे रही है और वो सिर्फ भावों से पहचानी जा सकती है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कृष्ण जन्मोत्सव के जश्न में डूबी रही। लोगों ने नाच गाकर अपने कन्हैया के जन्म की खुशी मनाई। रात 12 बजे के बाद भी मंदिर में भक्तों की कतार खत्म नहीं हुई। महिलाएं गोपी बनकर तो छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के भेष में नजर आए। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, ऐसे शहरों में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में मौजूद है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्त कृष्ण की भक्ति में लीन है और यहाँ पर हरे कृष्ण हरे रामा की धुन पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हरे कृष्ण हरे राम के धुन पर नाच रहे हैं। आपको बता दें कि 12 बजे के बाद भी, कृष्ण के जन्म होने के बाद भी, यहाँ पर उनके जन्मदिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के जश्न का कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली से सटे नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी देखने को मिला। यहाँ भी श्रद्धालु देर रात तक भगवान कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाते नजर आए। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने बड़े उल्लास के साथ अपने आराध्य भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया।
भगवान की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया और हजारों श्रद्धालु देर रात भजन कीर्तन में डूबे रहे। आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला। ये है ABP News, आपको रखे आगे।